नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। राजस्थान में 32 वर्ष पहले हुए अजमेर सेक्स स्कैंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ऐसा घिनौना केस जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड माना जाता है। इस कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल कर रेप और गैंगरेप किया गया था, जिसमें अधिकतर बच्चियां हिंदू थी। ये मामला इतना ज्यादा भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चियों ने बदनामी के डर से आत्महत्या तक कर ली थी और कईयों ने तो परिवार सहित शहर ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, कई तो पागलखाने तक पहुंच गई और कईयों ने तो आज तक शादी ही नहीं की। ये रेप कांड एक खुला घाव है जिसमें लड़कियां जब किशोरावस्था में थी तो बार बार रेप की शिकार हुई और इनमें से कुछ का पूरा जीवन पुलिस कचहरी के चक्कर काटते बीत गया, लेकिन इंसाफ मिलने में 32 वर्ष लग गए। क्या ये सिस्टम का एक बड़ा फेलियर नहीं है? बता दें कि अजमेर का ये मामला 1990 से चल रहा था, लेकिन खुलासा फरवरी मार्च 1992 में हुआ। इसमें आरोपियों ने एक व्यवसायी के बेटे से दोस्ती की थी, उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें खींची थी। व्यवसायी के बेटे को ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर आए, उससे बलात्कार किया, उसकी निवस्त्र तस्वीरें खींची, फिर उसे अपनी सहेलियों को वहां लाने के लिए मजबूर किया। फिर आरोपी वहां आने वाली हर लड़की का बलात्कार करता था और निवस्त्र तस्वीरें खींचता था। ये वारदात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे तस्वीरों से ब्लैकमेल कर लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। छात्राओं को फार्म तक ले जाने के लिए स्कूल कॉलेज के बाहर हमेशा एक गाड़ी भी खड़ी रहती थी। बताया जाता है कि इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे, जो ज्यादातर हिंदू लड़कियों का अपना निशाना बनाते थे जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष होती थी। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से एक्शन ही नहीं लिया गया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सभी यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से इनका जुड़ाव था। आपको बता दें कि वर्ष 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तब पूरे देश में भूचाल आ गया। आरोपियों ने लड़कियों की निवस्त्र तस्वीरों के नेगेटिव साफ करने के लिए जिस लैब को रील दी थी वहां से तस्वीरें लीक हो गई। शहर भर में इन तस्वीरों की जेरोक्स कॉपियां बटने लगी। तस्वीरें मिलने पर कई अन्य लोगों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी बीच कॉलेज की 6 लड़कियों ने एक एक कर आत्महत्या कर लिया। आरोपी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर थे। कई लड़कियां भी बड़े घरानों से थी, इस कारण पुलिस कार्रवाई भी बहुत धीमी रही। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में एक अखबार के संपादक की हत्या तक कर दी गई थी। 30 मई 1992 को ये मामला CBCID को सौंपा गया, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां खुलती गईं। और आज 20 अगस्त को इस कांड में स्पेशल पॉक्सो एक्ट के जज रंजन सिंह ने 6 दोषियों को सजा सुनाई है। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 32 वर्ष पहले हुए एक गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से कुल 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बता दें कि इन घटनाओं से पूरा अजमेर सहम कर रह गया था। उस समय कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं वो जोश में आकर कुछ बोल ना दे और फिर मामला उसके घर से भी जुड़ा निकल जाए। ये था अजमेर कांड का सच। पीड़िताएं जो आज जिंदा हैं, एक कटु याद के साथ, एक बेबसी के साथ।